पत्नी और साली द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए टॉर्चर किए जाने से परेशान शख्स एसपी के पास पहुंचा और इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। मामला फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र का है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी साली साडू और एक पादरी पर उसे धर्म परिवर्तन के लिए तंग किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि उक्त लोग जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, जबकि इसके लिए वो तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि धर्म परिवर्तन न करने पर उसे लगातार धमकियां भी दी जा रही है। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरा साधू अशोक कुमार, मेरी साली सरोज रानी और पास्टर छिंदरपाल जो रतिये का निवासी है जी, वो मेरे ऊपर जी धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे हैं जी, पूरा जी दबाव डाल रहे हैं। और दबाव डालने के बाद मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और मेरे घर पर तीनों जिने आकर मेरे परिवार की और मेरे देवी देवताओं की फ़ोटो उतार कर इन्होंने अपनी फ़ोटो लगवा दी। मेरी हिंदू धर्म में ही शादी हुई है जी, हिंदू धर्म से ही हुई, और मुझे ये कहने लगे भी आप ईसाई धर्म में आ जाओ, और मैंने जवाब दे दिया भी मैं नहीं आऊँगा, मैं हिंदू धर्म में ही रहना चाहता हूँ। नहीं, आपके ससुराल वाले कौन से, किस और धर्म के हैं वो? नहीं, वो भी हिंदू में है, मेरी सारी ईसाई धर्म में है। हाँ जी, तो दबाव कौन बना रहा है? मेरी साली और मेरा साधु जी अशोक कुमार जी। उनके साथ कौन कौन मिला हुआ है? उसके साथ जी पादरी है जी, वो छिंदरपाल जी, वो साथ में मिलकर मेरे पर दबाव डाल रहे हैं। तो आपकी पत्नी भी दबाव डाल रही है? हाँ जी। डीएसपी ने रतिया थाना एसएचओ को इस मामले में तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैं आज कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जो अमर सिंह लासन और प्रेम सिंह है रतिया रहने वाला, एसपी साहब को उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसकी शादी सुनाम में 2018 में हुई थी, और शादी के एक सप्ताह बाद ही छिंदरपाल कौर है, उसकी बहन सरोज रानी और उसका घरवाला जो अशोक है, ईसाई धर्म जो है वो ईसाई पादरी धर्म परिवर्तन करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं। इस संबंध में जो कंप्लेंट है वो एसएचओ सिटी जो रतिया उसको मार कर दी गई है, और इसमें जांच की जाएगी। उसका आरोप है उसके परिवार वाले हैं, साला है और साली है उसकी और सांडू है, वो भी ये इसका दबाव बना रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर। हाँ, वो कंप्लेंट में लिखा है उसके जो बर्तन वगैरह थे वो फेंक दिए थे, और इसके बारे में जो है मार की है कंप्लेंट, उसमें जाँच की जाएगी। जाँच के बाद जैसे भी हालात होंगे, जैसी भी कार्रवाई वो कर दी जाएगी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 2018 में उसकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ दिन बाद से ही उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके लिए उसे दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई है। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट।